हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ पर लास्ट क्लास खत्म किया गया था जो कि था SP3 पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जब स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाता है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाता है और बर्थन जो है मिनिमम हो जाता है, तो अब उसके बाद कंपाउंड कैसे बनता है जो कार्बन, अब जब टेट्राहेड्रल शेप मतलब सब 109 डिग्री दूरी पे है, तो अब हाइड्रोजन आया एक, हाइड्रोजन आया दो, हाइड्रोजन आया तीन, हाइड्रोजन आया चार, ये बन गया मेरे पास SP3, और ये मेरे पास SP3 कंपाउंड बन गया, मतलब SP3 कंपाउंड उसका सेंट्रल एटम कार्बन जो है SP3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये मेरे पास टेट्राहेड्रल शेप में पाया जाता है, टेट्राहेड्रल शेप में पाया जाता है, इसके इसमें नो डाइपोल मोमेंट क्योंकि सारा का सारा सिमेट्री है, एक बेसिकली सिमेट्री है, नो डाइपोल मोमेंट, नो परमानेंट चार्ज सेपरेशन, डाइपोल मोमेंट और ये सेम चीज होगा, नो डाइपोल मोमेंट, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो ये तो हो गया SP3 के बारे में, SP3 का अच्छा से समझ गया आपको, हाँ मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे SP3 के बारे में। अब नेक्स्ट जो आते हैं SP2 हाइब्रिडाइजेशन, SP2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अब SP2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हुए समझ में आ रहा है, 1s असल में इसका नाम भी इसका पहचान बता देता है, अगर SP2 है मतलब 1s और 2p मिलके बना रहे, तो 1s और 2p ऑर्बिटल मिलके SP2 बनाते हैं, और ये SP2 बनाते हैं सेम एनर्जी के होते हैं, पर अगर हम देखें तो कार्बन के बारे में, कार्बन का एग्जांपल है तो मेरे पास क्या था, 1s में 1 था 1 इलेक्ट्रॉन, और P में मेरे पास थे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 P में थे मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन, SP2 हाइब्रिडाइजेशन में ये तो चलेगा SP2 पे, ये बना लिए SP2 के 3 ऑर्बिटल्स, पर ये क्या करेगा, प्योर पी ऑर्बिटल ये बच जाता है, ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता, ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता, तो ये तो बनाते हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होता है, SP3 में सारे सिग्मा बॉन्ड थे, SP3 में सारे सिग्मा बॉन्ड थे, यहां पर लिखते थे उधर साइड में, तो SP3 में सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, SP3 में ऑल सिग्मा बॉन्ड, ऑल सिग्मा बॉन्ड, SP3 में सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, लेकिन SP2 में तीन तो सिग्मा बॉन्ड होता है, और ये प्योर ऑर्बिटल क्या करता है, ये प्योर ऑर्बिटल क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है, ये प्योर ऑर्बिटल क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है, ये प्योर ऑर्बिटल क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है। अब नेक्स्ट आगे अगर हम इसको स्ट्रक्चर में बताएं, ये कार्बन है मेरे पास, इस पे SP2, अगर ये SP2 हाइब्रिडाइज है, तो ये क्या करेगा, दो तीन तो इसके SP2 हाइब्रिडाइज हो गए, अच्छा तीन तो इसके SP2 हाइब्रिडाइज हो गए, तो वो तीन क्या करेंगे, वो तीन तो बॉन्डिंग में जाएंगे, अगर हम दो कार्बन ले लेते हैं SP2, ये भी SP2, तो एक बॉन्ड इसके साथ और दो बॉन्ड ऐसे मान लेते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे हो लेकिन ऐसे मान लेते हैं, अब ये तो हो गया, जब इससे बेचे तो दो बॉन्ड तो ऐसे हो गए, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया, पर अब दो जो एक प्योर पी ऑर्बिटल बचा, वन प्योर पी ऑर्बिटल बचा, कुछ इस तरह से होगा, है ना, अगर ये पीजेड मान लेता, पीजेड बच गया, पीजेड और इसमें नहीं गया, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया, पीएक्स और पीवाई चलेगा हाइब्रिडाइजेशन में, एक एस चला गया और मेरे पास पीजेड बच गया, अब ये पीजेड क्या करेगा, ये पीजेड साइड ऑन ओवरलैप करेगा इस तरह से, जो सिग्मा बॉन्ड बना तो सीधा सीधी बन गया, सामने सामने ऑर्बिटल था, इस तरह से बॉन्डिंग बना लिया, लेकिन जो पाई बॉन्ड बनेगा वो साइड ऑन ओवरलैप से बनेगा, साइड ऑन ओवरलैप, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर देंगे और ये दोनों आपस में ओवरलैप कर देंगे, अब ये दो बॉन्ड नहीं है, एक ही बॉन्ड है, क्योंकि एक ही पी ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल से एक ही बॉन्ड बनता है, ये एक ही ऑर्बिटल है, इसलिए बॉन्ड एक ही है, भले ही दो दिख रहा है ऊपर में और एक नीचे में, लेकिन बॉन्ड एक ही है, तो ये मेरे पास क्या बनाता है, इस तरह से ये डबल बॉन्ड बनाता है, इस तरह से ये डबल बॉन्ड बनाता है, और डबल बॉन्ड इसी से इन्फेरेंस आता है, इन्फेरेंस क्या आता है कि SP डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन आर SP2, डबल बॉन्ड कार्बन आर
sp2 डबल बॉन्ड कार्बन r sp2 डबल बॉन्ड कार्बन r sp2 इसी से एंट्रेंस आता है। तो ये डबल बॉन्ड किया। अब एक और चीज बताने के लिए क्या है कि अगर इसको अगर हम ये pz है, ये pz है, तो ये zz एक्सिस पे zz एक्सिस पे इस तरह से ओवरलैप कर लिया। मान लीजिए कि ये इस तरह से हो जाए तो अब तो ओवरलैप नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अलग एक्सिस में चला गया, ये अलग एक्सिस में चला गया। अब ऑर्बिटल तो ओवरलैप नहीं कर पाएंगे तो इसकी वजह से बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि इस बॉन्ड को हम रोटेट नहीं कर सकते, इस बॉन्ड को हम रोटेट नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते, इसको हम घुमा नहीं सकते। अगर इसको घुमा देंगे तो ये दोनों ओवरलैप नहीं कर पाएगा। ये इस तरह से है अभी, ये इस तरह से हो जाएगा और चेंज हो जाएगा, अब ओवरलैप नहीं कर पाएगा। अब ओवरलैप नहीं कर पाएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए क्या होता है इसको रोटेट नहीं कर सकते, ये होता है फ्रोजन रोटेशन, ये होता है फ्रोजन रोटेशन। और इसी से मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है GI, ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन, जिसको आगे पढ़ेंगे। इसी से मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है GI। अब नेक्स्ट मेरे पास SP और SP हाइब्रिडाइजेशन। तो एक S और एक P मिलकर क्या बनाया SP हाइब्रिडाइजेशन, एक S और एक P मिलकर क्या बनाया SP हाइब्रिडाइजेशन, एक S और एक P मिलकर क्या बनाया SP हाइब्रिडाइजेशन। तो एक एस और मान लेते पीएच किया था हाइब्रिडाइजेशन में, मेरे पास एसपी का दो ऑर्बिटल और पीएच और पीवाई और पीजेड के दो ऑर्बिटल ये बच गए। ये मेरे पास प्योर ऑर्बिटल, ये मेरे पास प्योर बच गया, ये हाइब्रिडाइज हो गया, ये हाइब्रिडाइज हो गया। अब इस केस में बॉन्डिंग कैसे होगी, इस केस में बॉन्डिंग कैसे होगी, तो एक कार्बन एक कार्बन, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा। अब दो मेरे पास प्योर ऑर्बिटल खाली है, एक काम करते हैं ये एक्सिस मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये मान लेते हैं जेड एक्सिस। तो ये तो वाई, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं इसको, ये जेड एक्सिस मान लेते हैं, ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई। एक तो वाई में है पी वाई, एक तो वाई में है पी वाई और एक है जेड में, इस वाले एक्सिस को बोलते हैं जेड एक्सिस जो कि पी जेड है और इस वाले एक्सिस को बोलते हैं जेड एक्सिस जो कि पी जेड है। तो PZ PZ में दो ऑर्बिटल। अब यहाँ भी वही सेम चीज होगा, यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल PY वाले आपस में बॉन्डिंग और PZ वाले आपस में बॉन्डिंग, ये PZ वाले आपस में बॉन्डिंग, PY वाले आपस में बॉन्डिंग और PZ वाले आपस में बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यहाँ पर दो प्योर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, दो प्योर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, दो पाई बॉन्ड बनते हैं, दो पाई बॉन्ड बनते हैं, दो पाई बॉन्ड बनते हैं, दो पाई बॉन्ड। अब ये दो पाई बॉन्ड कैसे दिखते हैं, अगर कार्बन का हम बनाए एसपी हाइब्रिड के लिए इस तरह से मेरे पास एक कंपाउंड आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड का। और यहां से मेरे पास क्या इंटरेस्ट आता है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आर एसपी हाइब्रिड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आर एसपी हाइब्रिड, ट्रिपल बॉन्ड का जो कार्बन होता है वो एसपी हाइब्रिड होता है। तो मेरे पास क्या क्या चीज आया, अगर मेरे पास sp3 है ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, अगर मेरे पास sp2 है तो 3 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड, और अगर मेरे पास sp है तो 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड्स। अगर मेरे पास sp हाइब्रिडाइज है तो sp हाइब्रिडाइज एक और चीज आता है, इसको या तो वन डबल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, इसमें टू डबल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, टू डबल बॉन्ड या फिर वन ट्रिपल बॉन्ड या तो दो डबल बॉन्ड हो जाए या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, वो बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज। इसका शेप को भी डिफाइन कर लेते हैं, इसका शेप क्या होता है टेट्राहेड्रल, जो कि अब एक्सप्लेन भी किए हैं। टेट्राहेड्रल कैसे होता है, sp2 में तीन बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा पाई ऑर्बिटल शेप डिफाइन नहीं करते, पाई ऑर्बिटल शेप डिफाइन नहीं करते, शेप इज डिफाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड्स ओनली। तो शेप जो है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड डिफाइन करता है, शेप जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड डिफाइन करता है, पाई बॉन्ड शेप को डिफाइन नहीं करते। तो तीन सिग्मा बॉन्ड है,
तीन सिग्मा बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड मैक्सिमम मैक्सिमम कितना दूरी पे हो सकते हैं? अगर तीन सिग्मा बॉन्ड बना लें तो मैक्सिमम मैक्सिमम कितने दूरी पे हो सकते हैं? इस तरह से 120 डिग्री मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। अगर 120 एक जगह 120 पे बनाएंगे दूसरी जगह कम हो जाएगा, तो 120 120 120 यही जो हो सकता है इसका मैक्सिमम सेपरेशन हो सकता है। इसलिए इसका शेप हो जाएगा मेरे पास क्या, इसका शेप मेरे पास हो जाएगा, इसका शेप मेरे पास हो जाएगा, इसका शेप मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर, इसका शेप मेरे पास हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर। और अगर इसकी बात करें इसमें सिर्फ दो सिग्मा है, अगर दो चीजों को तुमको मैक्सिमम सेपरेशन पे रखना है तो आराम से तुम कितना दूरी पे रख सकते हैं? 180 डिग्री पे रख सकते हैं, आराम से 180 डिग्री पे रख सकते हैं। इसलिए इसका जो शेप होता है वो होता है लीनियर शेप, लीनियर शेप, लीनियर शेप। अब शेप और ज्योमेट्री अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री का मतलब सेम होता है, लेकिन अगर इस कंपाउंड में लोन पेयर है तो लोन पेयर को जब हम लोग लेंगे तो उसको बोलेंगे ज्योमेट्री, और अगर लोन पेयर को अवॉइड करके जो बचा हुआ स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे शेप। अगर लोन पेयर है किसी कंपाउंड में तो लोन पेयर को इंक्लूड करके जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं उसको बोलते हैं ज्योमेट्री, और लोन पेयर को हटा के जब बचा हुआ स्ट्रक्चर देखते हैं उसको बोलते हैं शेप। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब बस एक फाइनल चीज, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इसके अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कहीं पर टॉपिक में जरूरत पड़े तो वो कर सकें, कर लेंगे वहां पर। लेकिन जो मेन लास्ट चीज है मेरे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? द टेंडेंसी कैप्चर द इलेक्ट्रॉन्स, कैप्चर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कैप्चर नहीं कहते, कैप्चर नहीं होगा। और ऐसा समझो अब जो बॉन्ड होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको बोलते हैं जब एक एटम एटम और शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बीच में है। लेकिन अगर एक एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अपने तरफ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा। हाँ, द टेंडेंसी टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, the tendency to shift the shared pairs of electrons towards itself। मतलब अगर मेरे पास जैसे क्लोरीन है, जैसे HCl है, HCl कंपाउंड है, अब HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका होता है? H का, क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। क्लोरीन क्या करता है, अपने ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर्ड हो रहे थे दोनों के, ये अपने तरफ खींच लेता है, तो ये इस तरफ थोड़े से इसके पास आ जाते, पूरे नहीं आते, आयनिक बॉन्ड नहीं, आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपने इसके तरफ थोड़े से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर H है। अब जब इसके तरफ थोड़े से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इसके पास आने की वजह से इसका छोटा सा नेगेटिव साइन आ जाता है, इसके पास आने से छोटा सा पॉजिटिव साइन आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले जाएंगे। समझ में आया होगा। इसके बाद मेरे पास जो चीज आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन, अब जो डिफरेंट हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो पड़े उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? तो sp3 या उसको नेक्स्ट पे करते हैं। अब मेरे पास एक चीज आती है जो कि है परसेंट एस होता है एक ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर कितना है, मतलब s ऑर्बिटल परसेंटेज कितना है, मतलब s ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन कितना है, एक हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन कितना है वो डिसाइड करता है कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा। ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ऐसा क्यों है? अब जनरल टेंडेंसी क्या होता है कि एक एटम का s ऑर्बिटल उसके पास होता है, सबसे ज्यादा पास अगर s p d s में कोई होता है तो वो s होता है। अब जितना पास होगा उतना ही उस पर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना पास होगा उतना ही उस पर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जिस
ऑर्बिटल का परसेंट एस ज्यादा होता है, उस पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसीलिए परसेंट एस जिसमें ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, जिसमें परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। अब अगर हम sp3 की बात करें जिसमें परसेंट एस निकालेंगे, सिंपल मैथ चलाते हैं, इसमें एस एक है, टोटल 4 ऑर्बिटल्स है इन 100, तो ये आ गया मेरे पास 25%। अगर मेरे पास sp2 ऑर्बिटल है, यहाँ पर परसेंट एस निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1/3 × 100 और ये हो जाएगा 33.3%। अगर हम sp की बात करें, इसमें परसेंट एस निकालेंगे, तो ये 1/2 × 100 और ये हो जाएगा 50%। सिंपल मैथ, sp आ जाएगा 50%। तो यहाँ से मेरे पास एस और परसेंट एस का ऑर्डर क्या है, परसेंट एस का ऑर्डर आया मेरे पास sp में सबसे ज्यादा, उसके बाद sp2 में, उसके बाद sp3 में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा sp में सबसे ज्यादा, sp2 में उसके बाद, और sp3 में उसके बाद। ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दिखाने में चेक, मतलब ये चेक करने में मदद करता है कि किसका इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का कैपेसिटी ज्यादा है, चार्ज नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने का कैपेसिटी कितना ज्यादा है। ये हो गया मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक था, एक और टॉपिक नहीं, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अगर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है जो कि इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है, तो इसको इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ा जाता है, और भी कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन चेक किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में मेन कार्बन है, इसलिए सिर्फ कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन को अकाउंट मिल गया है। लेकिन अगर कुछ ऐसे टॉपिक है जिसका जरूरत बाद में पड़ता है तो उसको वहां पर जरूर एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आज के लिए ये टॉपिक।